नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सतीन शर्मा। उत्तराखंड आजाद भारत का पहला राज्य है जहां यूसीसी पेश किया गया। उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश होने के बाद बहस शुरू हो गई है। कोई इसके सपोर्ट में है तो कोई इसके विरोध में है। इस बीच मुस्लिम संगठनों ने इस बिल का विरोध करना शुरू कर दिया है। देहरादून में इस बिल के खिलाफ प्रदर्शन भी हुआ। जमीयत उलेमाए हिंद ने कहा कि मुसलमान ऐसा कोई भी कानून नहीं मानेंगे जो शरीयत के खिलाफ हो। जमीयत उलेमाए हिंद ने इस बिल से आदिवासियों को छूट दिए जाने का हवाला देते हुए कहा कि यदि इस कानून से आदिवासी समुदाय को अलग रखा जा सकता है तो संविधान में मिले धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर अल्पसंख्यकों को भी इस कानून के दायरे में अलग रखा जाना चाहिए। जमीयत प्रमुख मौलाना असरद मदनी ने इस बयान में कहा, हम ऐसे किसी भी कानून को स्वीकार नहीं कर सकते जो शरीयत के खिलाफ हो, क्योंकि मुस्लिम हर चीज से समझौता कर सकता है लेकिन वह शरीयत और मजहब पर कभी समझौता नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया है और अनुसूचित जनजातियों को इस प्रस्तावित कानून से छूट दी गई है। इस पर सवाल उठाते हुए मदनी ने कहा कि अगर संविधान की एक धारा के तहत अनुसूचित जनजातियों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाता है तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को मान्यता देते हुए संविधान की धारा 25 और 26 के तहत मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता क्यों नहीं दी जा सकती। मदनी ने दावा किया कि संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी है लेकिन समान नागरिक संहिता मौलिक अधिकारों को निरस्त करती है। उन्होंने पूछा, अगर यह समान नागरिक संहिता है तो नागरिकों के बीच यह अंतर क्यों है। मदनी ने यह भी कहा कि हमारी कानूनी टीम विधेयक के कानून पहलुओं की समीक्षा करेगी जिसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा। मदनी ने आगे कहा कि सवाल मुसलमानों के पर्सनल लॉ का नहीं है बल्कि देश के धर्म निरपेक्ष संविधान को अक्षुण रखने का है। उन्होंने सवाल किया कि जब पूरे देश में नागरिक कानून एक जैसा नहीं है तो वे पूरे देश में एक पारिवारिक कानून लागू करने पर क्यों जोर देते हैं। बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया। ये बिल आज़ादी के बाद किसी भी राज्य में पहला ऐसा कदम है जिसके बाद अन्य भाजपा शासित राज्यों में भी इसी तरह का कानून बनाया जा सकता है। इस बिल में पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के छोटे आदिवासी समुदाय को प्रस्तावित कानून से छूट दी गई है। इस बिल में लिव इन रिलेशन का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आने वाला 192 पेज का समान नागरिक संहिता बिल भाजपा के वैचारिक एजेंडे का एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसमें सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, भूमि, संपत्ति और उत्तराधिकार पर एक समान कानून बनाने की बात प्रस्तावित है, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। आपको बता दें कि मौलाना सैयद असरद मदनी इस्लामिक संगठन जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष हैं। आए दिन अपने बयानों के लिए चर्चे में रहते हैं। खैर, चुनाव से पहले बीजेपी ने जो वादा किया था अब उसे विधानसभा के पटल पर रख दिया है जिससे एक बार फिर से लोकसभा चुनाव से पहले यूसीसी पर बहस छिड़ गई है। इस पर आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।